गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अपन ने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया था, उसके बाद अपन ने समविभव पृष्ठ पढ़ लिया था। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो अपने पास एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आता है, जो रिलेशन कहते हैं अपन जिस नाम से जानते हैं वो है वी तथा ई में रिलेशन, यानी विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तथा इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र दोनों में एक संबंध होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। इसके बेस पे कंपटीशन एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो अपन इसको आज इसी के डेरिवेशन को देखेंगे कि ये क्या कहलाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, तो ये अपना आज का टॉपिक रहेगा। और सबसे पहले बात करेंगे इसमें किसकी, विभव प्रवणता की। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि यदि आपके पास, आप क्या जानते हो विद्युत विभव में, यदि आपके पास किसी बिंदु ओ पर क्या है, यदि किसी आपके पास किसी बिंदु ओ पर कोई धन आवेश स्थित है तो उसके कारण जो विभव होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि किसी बिंदु ओ पर क्या, किसी बिंदु ओ पर क्यू आवेश स्थित है, क्यू आवेश स्थित है तो बिंदु पी पर विभव, तो पी पर विभव कितना होगा, ये आप पहले से जानते हो। तो आप जानते हो कि ये विभव कितना होगा, वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या होगा, आर। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो वी है वो कैसी राशि है, एक अदिश राशि होती है। वी जानते हो विभव क्या, एक अदिश राशि है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ जो विद्युत विभव V है वो एक अदिश फलन है, क्या है, अदिश फलन है। अब ये अदिश फलन किस पर डिपेंडेंट है, ये केवल और केवल किस पर डिपेंडेंट है, R, और R भी क्या है अपना एक, क्या है, यानी जो ये V है वो डिपेंड करेगा किस पे, R पे। तो मैं कह सकता हूँ कि V है वो क्या, एक अदिश फलन है। यानी मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा, यानी विभव दूर V है वो दूरी R के सापेक्ष, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ विभव V दूरी R के सापेक्ष, विभव वी दूरी आर के सापेक्ष एक अदिश फलन है, क्या है, अदिश फलन है। तो अदिश फलन, ये लाइन का मतलब क्लियर है कि आपके पास ये क्या करेगा, अदिश फलन है, यानी आर पर डिपेंडेंट करता है। यदि आर बढ़ता घटता है तो यहाँ पे विभव में भी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो वी है वो आर के सापेक्ष क्या, एक अदिश फलन है, क्योंकि विद्युत विभव क्या होता है, एक अदिश होता है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करता हूँ जिसे बोलते हैं अपन विभव प्रवणता। किसकी बात करता हूँ मैं, विभव प्रवणता की, कि ये विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विभव प्रवणता बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये किसे कहते हैं। तो विभव प्रवणता क्या कहलाती है, कि दूरी आर के सापेक्ष, यानी देखो अपने पास डिपेंडेंट किस पे है, आर पे, क्या डिपेंड कर रहा है, वी। तो मैं यहाँ पे क्या बता सकता हूँ कि दूरी आर के सापेक्ष जो वी में होने वाला अधिकतम परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। यदि इसकी मैं मैथमेटिकल टर्म लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूरी आर के सापेक्ष, दूरी r के सापेक्ष v के मान में अधिकतम परिवर्तन होने की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है, क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। अब मुझे ये बताओ, इसको यदि मैं मैथमेटिकल टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा। देखो किसके सापेक्ष परिवर्तन है, आर के सापेक्ष, यानी जो परिवर्तित टर्म है, यानी जिसके सापेक्ष होता है वो टर्म क्या आती है, नीचे आती है। और किसका मान परिवर्तित हो रहा है, वी का। मैंने लिख दिया, आपने 11th क्लास में पढ़ के आयो dx/dt, इसका क्या मीनिंग है, dx/dt का क्या मीनिंग होता है, कि x परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष, क्या हो रहा है, x के मान में परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष, यानी जैसे जैसे आप t का मान चेंज कर रहे हो तो x भी क्या हो रहा है, वहां पे चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यदि आप ये लिखते हो dr अपॉन में dx, क्या लिखते हो, dr अपॉन में dx, इसका मतलब क्या हुआ कि x के सापेक्ष चेंज हो रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है, r में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि r के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है किसका, v का। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसको जो डिनोट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, तो इसको मैं लिखूंगा कि इसे dv अपॉन, इसे dv अपॉन dr से व्यक्त करते हैं, इसे dv अपॉन dr से व्यक्त करते हैं। और यदि मैं इसको 3D फॉर्म में लिखूं, क्या करूं, यदि मैं इसको 3D फॉर्म में लिखूं तो इसको आप इसे डेल v के नाम से भी जानते हैं, क्या नाम से जानते हो, यदि ये d/dr है इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे डेल v से भी व्यक्त करते हैं, डेल v से भी व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, डेल v से, जहां पर डेल क्या है, एक ऑपरेटर है, जहां पर डेल क्या है, एक संकारक है,
जहाँ पर डेल क्या होता है, एक संकारक है, और इस डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस का डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस का डेल बाय डेल जेड के कैप। तो ये क्या होती है, इस संकारक की वैल्यू होती है। तो ये जनरल सी एक इंपॉर्टेंट बात थी, तो उसको आप नोट कर लीजिए। फिर अपन इस डेरिवेशन को करेंगे, जो अपन प्रूफ करेंगे ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है ई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी। तो ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अपन एक डेरिवेशन करेंगे छोटा सा। तो आप इसको एक बार, जो मैंने थ्योरी वगैरह लिखी है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। तो इसको जल्दी से कर लीजिए। तो विभव प्रवणता समझ में आ गया कि किसी के सापेक्ष किसी के मान में अधिकतम होने वाली परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, उसकी विभव प्रवणता कहलाती है। इसको मैंने मैथमेटिकल टर्म में किस टर्म में लिखा है, डेल डी वी अपॉन में डी आर से व्यक्त करते हैं, या फिर आप इसे भी ऐसे भी बोल सकते हो, इसे डेल वी से व्यक्त करते हैं। और ये मुझे ये बताओ कि ये यहाँ पे डेल आ गया और डेल की वैल्यू क्या है आपके पास, मतलब ये आपके पास कोई वैल्यू है डेल वी, मुझे ये बताइए कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि है। क्या आप मुझे जल्दी से ये बता सकते हो कि जो डेल वी है वो क्या है, अदिश है या सदिश है? तो यहाँ पे देखोगे तो क्या है, वी तो क्या है अपना एक विभव है, वी क्या है अपना एक विभव है, जो कैसी राशि है, अदिश राशि है। बट ये डेल क्या है, अपना एक संकारक है। इस डेल की वैल्यू मैंने कहाँ पे लिखी है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इसके साथ आई जे के आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या है आपके पास, डेल की वैल्यू है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैव डेल बाय डेल वाई जे कैव प्लस का डेल वाई डेल जेड के कैप। ये क्या है आपके पास, ये वैल्यू है। यदि मैं पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो ये वी क्या आ जाएगा, सबके साथ आ जाएगा, मतलब ये वाली टर्म आ जाएगी। मतलब इसका रिजल्ट कैसा आएगा, अदिश आएगा या सदिश आएगा? तो यहाँ पे बता सकते हो कि आई जे के इसको सॉल्व करोगे तो साथ में आएगा, इसका मतलब ये कैसा रिजल्ट देगा अपन को, एक सदिश राशि देगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो विभव प्रवणता है ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा आ रही है, तो यह एक सदिश राशि है। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, फिर अपन इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट या लिख दिया होगा। अब मैं बात करता हूं इसके डेरिवेशन की। अब देखो मैं इसके डायरेक्शन की बात करता हूँ, इसमें क्या मानता हूँ, सबसे पहले मैं मानता हूँ इसमें कि मैं एक बिंदु आवेश ले लेता हूँ, ओ बिंदु पर एक आवेश लेता हूँ क्यू। क्या लेता हूँ, ओ बिंदु है, यहाँ पर एक आवेश ले लिया मैंने क्यू, ठीक है, क्या ले लिया, आवेश क्यू। यहाँ से मैं एक पी बिंदु पर क्या लेता हूँ, एक परीक्षण आवेश लेता हूँ क्यू नॉट। क्या लेता हूँ, बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश लेता हूँ पी। अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि ये जो बिंदु आवेश है क्यू, ओ बिंदु पर क्या है आपका कोई बिंदु आवेश है क्यू, इसकी वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है ई। क्या हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है ई। अब मैं इसमें क्या करूंगा वो देखो, ये तो सिंपल सा ही टर्म थी, समझ में आ गई कि कोई भी ओ बिंदु पर क्या था, कोई बिंदु आवेश था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था ई। अब यहाँ पे क्या है, कोई परीक्षण आवेश है, यदि इस परीक्षण आवेश को मैं यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। आप सभी जानते हो कि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जिसे अपन विद्युत बल के नाम से जानते हैं। कितना होगा, वो होगा आपके पास एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर। ये जानते हो आप कि F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर। यानी मैं कह सकता हूँ कि परीक्षण आवेश को यदि मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो उस पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर। अब यहाँ पे मैं एक और चीज जानता हूँ कि ये जो परीक्षण आवेश है इसको मैं थोड़ा सा विस्थापित करूँ। क्या करूँ, इस परीक्षण आवेश को मैं थोड़ा सा विस्थापित करूँ, यानी इसको या तो इधर ले जाऊँ या इधर ले जाऊँ, यानी कुछ ना कुछ मुझे कार्य करना पड़ेगा। किस लिए, इसको विस्थापित करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो परीक्षण आवेश है इसको यदि मैं थोड़ा सा इधर उधर करूँ या विस्थापित करूँ, तो विस्थापित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य कितना होता है वो मैं आपको यहाँ पे निकाल के बताऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहले अपन डायग्राम की थ्योरी लिखते हैं। डायग्राम की थ्योरी क्या लिखते हैं कि माना कि बिंदु O पर, डायग्राम की थ्योरी लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप अपन पूरी करते हैं पहले। माना कि बिंदु O पर एक धनावेश स्थित है, धनावेश स्थित है, और यहां से मैं इसकी दूरी मान लेता हूं R, और बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश R दूरी पर स्थित है, और बिंदु P पर एक बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु O से R दूरी पर स्थित है, बिंदु O से R दूरी पर स्थित है,
बिंदु O से r दूरी पर स्थित है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इस बिंदु धनावेश के कारण, इस धनावेश के कारण, इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है, या विद्युत क्षेत्र E है, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है किसके कारण, इस बिंदु धनावेश के कारण। ठीक है, इतना अपन जानते हैं कि सबसे पहले क्या माना मैंने, बिंदु O पर क्या है आपका कोई धनावेश स्थित है, और बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश है जो Q नॉट बिंदु O से R दूरी पर स्थित है तथा धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है। क्लियर, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि विद्युत क्षेत्र E के कारण, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि विद्युत क्षेत्र E के कारण, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के कारण परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, Q नॉट पर लगने वाला बल, अब ये बल कितना होगा ये सभी जानते हो, F इज इक्वल टू क्या होता है, Q ही होता है। कौन से आवेश की बात कर रहे हैं, परीक्षण आवेश की, यानी E के कारण जो परीक्षण आवेश है उसको यदि मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, या मैंने क्या बोला कि परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लगने पर लगने वाला बल क्या होता है, विद्युत बल होता है, वो क्या होता है आपका F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर, और इसकी दिशा भी क्या होती है ई की अनुदिश, यानी जैसे ई की दिशा होगी वैसे ही क्या होगी आपकी एफ की दिशा होगी। क्लियर, अब मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ, अब मैं यहाँ पे मानता हूँ कि इस आवेश को, यानी ये जो आवेश है क्यू नॉट परीक्षण आवेश को, अनंत से मैं किसी बिंदु तक इसको क्या करता हूँ, विस्थापित करता हूँ, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अनंत सूक्ष्म दूरी पर क्या करता हूँ, विस्थापित करता हूँ। तो विस्थापित करने में मुझे क्या करना पड़ता है, इस पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो देखो इसमें कि परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत सूक्ष्म दूरी तक विस्थापित करने में, अनंत सूक्ष्म दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, अनंत सूक्ष्म दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब ये कार्य कितना कार्य होगा, देखो कार्य क्या होता है, W इक्वल टू बल इनटू विस्थापन। 11th में यदि आपने फॉर्मूले पढ़े हैं फिजिक्स के तो आपको ध्यान होगा कि कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल इनटू विस्थापन, यानी जिस यदि कोई मैं एक वस्तु में किसी एक वस्तु है, ये मान लो क्या क्या माना मैंने कि यहाँ पे एक मैंने वस्तु पड़ी है इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या पड़ी है, एक वस्तु पड़ी है, इस वस्तु पर मैंने क्या लगाया, ये बल लगाया, तो ये बल लगाने पर ये वस्तु किधर आ गई, इधर आ गई, यानी इसकी स्थिति क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी वस्तु के में क्या हुआ, वस्तु के पथ में कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, अपना कार्य कहलाता है। तो कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो मैं यहाँ पे जब अल्पांश की बात करता हूँ, क्या सूक्ष्म दूरी की बात करता हूँ, सूक्ष्म दूरी मान लेते हैं मैं कितनी मानता हूँ यहाँ पे, डी आर, कितनी मानता हूँ डी आर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एफ डी आर होगा। क्लियर, अब देखो इसमें ये भी सदिश राशि है और ये भी क्या है आपकी सदिश राशि है, दोनों सदिश राशि है, तो ये क्या आएगा आपका, अधिश राशि आएगा, मतलब किया गया कार्य क्या होगा आपका, अधिश होगा। क्लियर, अब बात करता हूँ एफ की वैल्यू, आपको पता है, तो एफ की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ तो ये क्या आएगा आपका, क्यू नॉट ई वैक्टर डॉट का डी आर वैक्टर, यही आएगा आपका, क्या आएगा आपके पास, क्यू ई डॉट का डी आर वैक्टर। यदि मैं इसको अब देखो ई और डी आर की दिशा, देखो डी आर की दिशा भी क्या होगी, समान होगी, यानी ई और डी आर की दिशा क्या है, यहाँ पे समान है, तो मैं लिख सकता हूँ ई वैक्टर, ई वैक्टर तथा डी आर वैक्टर की दिशा समान है, ई आर वैक्टर तथा डी आर वैक्टर की दिशा समान है, अर्थात थीटा इज इक्वल टू बीच में क्या होगा, जीरो, जब दिशा समान है ए की दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डी आर। क्लियर, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर एक। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या माना कि कोई भी परीक्षण आवेश था उसको यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता हूँ तो रखने पर किया गया कार्य की, सॉरी, उस यदि कोई परीक्षण आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र ई में रखता हूँ तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, आप जानते हो अच्छे से। और यहाँ पे क्या करता हूँ, इस परीक्षण आवेश को मैं सूक्ष्म दूरी में विस्थापित करता हूँ, तो विस्थापित करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, कार्य कितना करना पड़ता है, तो ये करना पड़ता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर। यदि ये अल्पांश रूप में लेते हूँ तो कार्य भी क्या आएगा आपका, अल्पांश रूप में आएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। करूं, हटा दो इसे, लिख दिया होगा।
ज़्यादा कोशिश करो कि स्क्रीनशॉट ही ले लिया करो, ठीक है, ताकि आप आराम से उसमें नोट्स बना सको। देखो अब क्या बात करता हूँ कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र क्या है आपके पास, कि विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य के परिणाम स्वरूप, कार्य के परिणाम स्वरूप जो किया गया कार्य है वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी परीक्षण आवेश क्यू नॉट की विद्युत, ऐसे लिख सकता हूं मैं, परीक्षण आवेश क्यू नॉट की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्या आता है यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपन ने कोई कार्य किया, वो कार्य कितना किया, dW इज इक्वल टू क्यू ई डी आर, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूँ कि जो भी आपके पास परीक्षण आवेश था उसकी स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, यदि आपने उसकी जगह चेंज की, उस पर कुछ कार्य किया, कुछ बल लगाया, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अब वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, कम होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो आपके पास dU है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो dU इज इक्वल टू माइनस का dW, लिख सकते हो ऐसे भी, क्योंकि ये क्या जो किया गया कार्य है वही तो क्या है अपना एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अपन ने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी है कि विद्युत विभव में, देखो अपन ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा, कि किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ये अपन ने पॉइंट पहले भी लिखा हुआ है, तो आप नोट्स में देखना, अपन ने ये पॉइंट पहले लिखा है कि अनंत से किसी बिंदु आवेश को लाने में किया गया कार्य एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये आपकी क्या हो गई स्थितिज ऊर्जा, ये माइनस क्या है यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा में कमी को व्यक्त कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dU इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस dW की वैल्यू कितनी है QE और DR, क्या है आपकी QE और DR, क्लियर। तो यहां पे मैं इसको नंबर दे देता हूं समीकरण नंबर दो, क्या दे देता हूं इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर दो। अब क्या करें बताओ, अब क्या करें, क्या आपका निकल गया क्या, मुझे क्या निकालना था, मुझे तो निकालना था कि विद्युत विभव में होने वाला परिवर्तन, क्या निकालना था विद्युत विभव में होने वाला परिवर्तन। तो अब यदि मैं बात करता हूं विद्युत विभव में विद्युत विभव में होने वाला परिवर्तन, अब ये विद्युत विभव में होने वाला परिवर्तन कितना होगा इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि कितना परिवर्तन होना चाहिए विद्युत विभव में। तो देखो विद्युत विभव में परिवर्तन हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या आएगा dW आएगा, क्या आएगा dW। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है dW इक्वल टू क्या होता है QV होता है, ठीक है। यदि मुझे क्या निकालना है विद्युत विभव में परिवर्तन, यदि मैं इसको अल्पांश रूप में लिख सकता हूँ तो dW इज इक्वल टू QdV लिख सकता हूँ, क्लियर, लिख सकता हूँ, समझना इसको। W इज इक्वल टू क्यू वी होता है, पढ़ाया आपने, dW इज इक्वल टू क्यू डी वी लिख सकता हूँ, ये अल्पांश लेता हूँ तो ये भी एक छोटा अल्पांश ले होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे dV निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा dW अपॉन में क्यू होगा, बताओ होगा या नहीं होगा, होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि विद्युत विभव में होने वाला जो परिवर्तन है वो कितना होगा dV इज इक्वल टू dW माइनस में अपॉन में क्या आएगा आपका क्यू। अब ये यहाँ पे क्यू कौन सा आएगा, परीक्षण आवेश की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा परीक्षण आवेश, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो dV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dW, और dW क्या है आपके पास, या फिर आप dW लिखो या क्या लिखो, माइनस तो देखो इसमें आएगा ही आएगा, तो ये माइनस तो ऐसे का ऐसे, और dW का मान क्या था आपके पास QEdR, क्या था आपके पास QEdR, या फिर आप इसे dW को ऐसे भी लिख सकते हो dU इज इक्वल टू क्या होता है dW, तो आप इसको माइनस dU की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसमें तो भी गलत नहीं होगा, यदि आप ऐसे लिख लेते हो तो भी सही है, यानी dU इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस dW, या फिर आप ऐसे लिखो कि dW इज इक्वल टू क्या आएगा, कैसे भी लिखो आप रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। तो माइनस का क्यू नॉट ई डी आर अपॉन में क्या आएगा क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा dV अपॉन में dR इज इक्वल टू माइनस का ई, क्या बचेगा dV इज इक्वल टू dR अपॉन माइनस का ई। और मैंने अभी यही बताया था विभव प्रवणता की डेफिनेशन में, यही बताया था कि R के सापेक्ष V में अधिकतम होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है विभव प्रवणता कहलाती है, ग्रेडियंट कहलाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है आपका E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन में dR, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार इस काम में आता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो क्या अपना एक वेक्टर है, बट ये V क्या है आपका एक अदिश फलन है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है आपका, इसको यदि सदिश रूप में लिखना हो आपको,
तो कैसे लिखोगे, ई वेक्टर माइनस का डी वी अपॉन में डी आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर वेक्टर। क्लियर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना आप हमेशा के लिए, ई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन में आर। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आर कैप यहाँ पे क्या बता रहा है, आपको ध्यान होगा जो ये आर कैप है ये क्या बता रहा है, डी वी अपॉन में डी आर की दिशा बता रहा है। जहां पर आर कैप डी वी अपॉन डी आर की दिशा बता रहा है, यानी किस दिशा में चेंजेज हो रहा है वो बता रहा है। लिखिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। लिख लीजिए फिर मैं आगे चलता हूँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। बढ़ते आगे, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान आ गया कैसे लिखा मैंने ये यहाँ से लिखा। ठीक है, अब मैं इसकी थ्योरी को बनाकर लिख सकता हूँ। ये जो लास्ट में फॉर्मूला आया इसकी थ्योरी को लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, इस फॉर्मूले के आगे क्या लिख सकता हूँ, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। क्लियर, तो देखो ये क्या कहलाती है, मैंने पहले बताया था जो डी वी ओपन में डी आर आता है वो क्या अपना एक विभव प्रवणता है, ये क्या आपका ई वेक्टर है। तो मैंने क्या लिखा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या कहलाती है, उस बिंदु पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान की क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, विद्युत विभव के ऋणात्मक विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान की क्या होती है, बराबर होती है। और यदि मैं इसका मात्रक लिखना चाहूँ कि इसका मात्रक क्या होगा बताओ, तो इसका मात्रक क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है आपके पास, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो विभव प्रवणता का मात्रक है यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ रहा है, तो इसका मात्रक क्या है, वोल्ट वी का वोल्ट अपॉन में प्रति मीटर, यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्ट प्रति मीटर, क्या लिख सकता हूँ, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ई का मात्रक क्या हो सकता है, वोल्ट प्रति मीटर। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि विभव कैसे घटता है, तो जो विभव है, मान लिया कि आपके पास फॉर्मूला क्या आया, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन में डी आर आया। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस क्या शो कर रहा है, यहाँ पे विभव को कम होना शो कर रहा है, ये माइनस क्या व्यक्त कर रहा है कि विभव में कमी को बता रहा है। इसका मतलब विभव कब घटता है, विभव जब घटता है, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जब विभव घटता है तो ई की दिशा क्या होगी, विभव घटने पर ई की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। क्लियर, अब इसमें मैं बात करता हूं इसकी 3D फॉर्म की। देखो ये तो अपन ने केवल 1D लिखा है, डी वी अपॉन में क्या आ रहा था, डी आर आ रहा था। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि विभव प्रवणता को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, विभव प्रवणता को डेल वी से व्यक्त कर सकते हैं, जहां डेल एक संकारक है। देखो जब डेल एक संकारक आ गया आपके पास, क्या आ गया, डेल एक संकारक आ गया, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कि जो ई वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, माइनस का डेल वी के। ठीक है, अब आप जानते हो कि जो ई वेक्टर है यानी डेल क्या है, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस का डेल अपॉन डेल वाई जी कैप प्लस का डेल अपॉन डेल जेड के कैप। क्लियर, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा आपका,
वी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ये भी क्या है आपका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से अच्छे वीडियो क्लियर होने चाहिए। तो ई की दिशा है, यहाँ पे क्या बात कर सकते हो कि जो ई की दिशा है वो क्या है, वी के विपरीत है, यानी जो विभव की डायरेक्शन होगी, यानी जो विभव होगा उसके क्या होगा, ऑपोजिट होगा। यानी जो ई की दिशा है वो क्या है, डेल वी क्या है अपनी, देखो डेल वी आप जानते हो अच्छे से कि डेल वी आप क्या क्या है, एक सदिश राशि है, क्या है, देखो वी क्या है अदिश है, बट डेल क्या है सदिश है, इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, सदिश आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये डेल है, ये क्या एक सदिश राशि है, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ई की दिशा विभव प्रवणता की दिशा के विपरीत होती है, विभव प्रवणता की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है। तो ये देखो जो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आए हैं, ये आपको हमेशा याद रखने हैं, आपके न्यूमेरिकल में काफी काम आएंगे, तो इस पर अपन एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक था वो यही था, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो यहाँ पे वी तथा ई में रिलेशन निकालना, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो क्वेश्चन भी करेंगे अपन। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक शेयर कमेंट करना न भूले, और आगे से आगे वीडियो के लिंक शेयर कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।